हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप अच्छे हो और स्वस्थ भी हो। मैं आज आपको मेरे घर के प्लांट में जो स्केल इंसेक्ट है उसे कैसे भगाया जाता है उसका निवारण बताती हूँ। दोस्तों, ये प्लांट पर जो व्हाइट या डार्क कलर पेंट के धब्बे जैसे दिख रहे हैं वो स्केल इंसेक्ट्स हैं। अगर आप करीब से देखोगे तो आपको यह डोम शेप का नजर आएगा और इनके अंदर ये एक छोटा सा इंसेक्ट रहता है। ये ज्यादा मुंह भी नहीं करते। अगर ये मुंह नहीं कर रही है तो ये फीमेल इंसेक्ट है और हम इसे बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन ये मुंह कर रहे हैं तो ये मेल इंसेक्ट है और ये निकालने में हमें थोड़ी परेशानी होती है। ये इंसेक्ट्स प्लांट से उनका सैप चूस लेता है जिससे प्लांट्स के पत्ते सिकुड़ जाते हैं और वो बढ़ते भी नहीं हैं, जिसके कारण चींटियां भी आती है। आप देख सकते हैं कि मेरे प्लांट में स्केल इंसेक्ट्स और थोड़ा मिलीबग्स भी हो गया है। पूरी तरह से मेरे प्लांट इन्फेक्ट हो गया है। चलो मैं अब आपको मेरे सुंदर प्लांट से इन्हें कैसे निकालना है बताती हूँ। अगर ये इंसेक्ट्स ज्यादा हो तो आप प्लांट को प्रून कर दे। आज इसका निवारण मैं रबिंग अल्कोहल से करूंगी। मैं रबिंग अल्कोहल और पानी का रेशो 1:1 ले रही हूँ। एक बोतल में 1 कप रबिंग अल्कोहल और 1 कप पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिला दूंगी। इस मिश्रण को प्लांट्स पर स्प्रे कर रही हूँ। अच्छी तरह स्प्रे करने के बाद 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ना है। मैंने स्क्रबर का स्पॉन्ज साइड से इन्हें निकालने की कोशिश की पर ये नहीं निकला। अभी मैं स्क्रबिंग साइड से इन्हें निकाल रही हूँ। ध्यान रखें दोस्तों, ये काम नाजुकी से करें। पत्तों को कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि हमने कितने सारे स्केल इंसेक्ट्स को निकाला। अभी हम एक एक पत्ते से इंसेक्ट्स निकालेंगे। बार में सारा स्केल नहीं गया तो आप हफ्ते में एक बार ये प्रोसेस रिपीट करें। मैंने तो अपने प्लांट से स्केल इंसेक्ट्स को काफी हद तक निकाल लिया। अभी वो और अच्छे से ग्रो करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।